हे गाइस, दिस इज प्रीति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बजट से रिलेटेड एमसीक्यू। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग कवर करेंगे। तो अगर आप लोगों ने बजट का पूरा विश्लेषण का वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो को देख सकते हैं, उसके बाद आप एमसीक्यू को सॉल्व करिए, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस के लिए कि आपको कितना क्वेश्चन याद हुआ है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। इसमें जो भी टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारा, बजट को सुबह 11 बजे पेश करने की परंपरा कब से शुरू की गई है? आपके ऑप्शंस हैं 1992, 1998, 1999 या फिर 2001। तो जल्दी से सोच के इसका सही आंसर बताइए। आपका सही आंसर है 1999। बजट को सुबह 11 बजे पेश किया जाता है हम वित्त मंत्री के द्वारा। 1999 से यह परंपरा चली आ रही है। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय भारत के पहले वित्त मंत्री कौन बने? सही आंसर होगा हमारा आर के षणमुखम। क्या होगा सही आंसर? आर के षणमुखम होगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है हमारा, बजट 2019 के अनुसार जन धन खाता धारक महिलाओं को कितने रुपए के ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है? जो भी महिलाएं हैं जिनका जन धन अकाउंट में खाता है उनको कितने रुपए ओडी की सुविधा दी गई, मतलब अगर आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस भी है तो भी आप वहां से 5000 रुपए ओवरड्राफ्ट कर लेते हैं। देखिए, इस समय इंडिया महिला सशक्तिकरण पे ज़्यादा काम कर रहा है तो उसको प्रमोट करने के लिए इस तरह के जो सुविधाएं हैं वो महिलाओं को दी जा रही है। तो आई थिंक आपने सोच लिया होगा, सही आंसर होगा हमारा 5000 रुपीस। जनधन खाता धारक महिलाओं को 5000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। इसके साथ साथ इनको 1,00,000 रुपये तक का लोन भी दिया जाएगा, इसकी भी सुविधा है। नेक्स्ट है हमारा, बजट 2019 के अनुसार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत किस राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना की जाएगी? सही आंसर होगा हमारा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन बोर्ड। अगर हम लोग देखें जो भी इंटरनेशनल लेवल के इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स हैं, लाइक ओलंपिक हो गया, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें एशियन गेम्स हो गया, तो भारत अभी पदक तालिका में काफ़ी नीचे हैं। स्टेट तो कोशिश कर ही रहे हैं, अलग अलग स्टेट अलग अलग तरह की योजनाएँ ला रहे हैं। अभी आपने सुना होगा एक खेलो इंडिया के बारे में। ठीक, तो इस सब तरह से क्या होगा, इसे स्पोर्ट को बढ़ावा मिलेगा और जो पदक तालिका है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उसमें हमें एक अच्छा पदक मिलने का चांस रहेगा। ठीक है, अगला हमारा, बजट 2019 में टीचर्स को बेहतरीन ट्रेनिंग देने के लिए किस नए स्कीम की शुरुआत की गई है? देखिए, एक अच्छे टीचर्स ही एक अच्छे स्टूडेंट को बना सकते हैं, इसलिए टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए ज्ञान स्कीम शुरू किया गया है। क्या नाम है इसका? ज्ञान स्कीम। ठीक, अगला हमारा, अब तक का सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो अब तक सबसे अधिक बार बजट पेश किया है मुरारजी देसाई ने, इन्होंने कुल 10 बार बजट को पेश किया है। ठीक, नेक्स्ट हमारा, स्फूर्ति योजना में एफ का पूर्ण रूप क्या है? अब मैं इस तरह के क्वेश्चन में आपको बार बार बताती हूँ कि आपको अगर इस तरह की कोई भी केंद्र सरकार की योजना है और उसमें कोई सेंटेंस दिया गया, कोई वर्ड दिया गया है, तो अलग अलग वर्ड्स की मीनिंग आपको याद रखना चाहिए। तो जल्दी से आंसर दीजिए कि इसमें सही आंसर क्या होगा हमारा। सही आंसर होगा हमारा फंड, और इसका फुल फॉर्म क्या होगा? स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशन इंडस्ट्रीज। ठीक है, क्या होगा हमारा? ट्रेडिशन इंडस्ट्रीज होगा हमारा सही आंसर। तो इसमें एफ से हमारा क्या हो गया? फंड हो गया। नेक्स्ट है हमारा, सोने पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? तो सोने पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा करके 12.5% कर दिया गया है। और भी जो प्रोडक्ट हैं जो कि इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब जिनको हम लोग बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, उन प्रोडक्ट्स पे जितने भी हैं उन सभी पर 12.5% कर दिया गया है कस्टम ड्यूटी, तो उसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, मछली उत्पादन में भारत विश्व में कौन से स्थान पे है? आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये टॉपिक हमारे लिए कैसे रिलेवेंट है, इसलिए है क्योंकि इस बार एक अलग से मंत्रालय भी बनाया गया है, भारत मत्स्य उद्योग को प्रमोट कर रहा है। अब एक बात तो था कि चलो मत्स्य उद्योग को भारत प्रमोट कर रहा है, एक मंत्रालय भी बना दिया, लेकिन बजट में भी इसके लिए कुछ अलग से प्रावधान करना होगा। तो मछली उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है, कौन
कौन से स्थान पे है, दूसरे। जबकि अगर हम लोग बात करें कि पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे है चाइना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, मत्स्य पालन को एक मजबूत ढांचा प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू किया गया, तो हमारा सही आंसर होगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। नेक्स्ट है हमारा, बजट 2019-20 के अनुसार छोटे व्यापारियों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। सही आंसर होगा इसमें हमारा प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना। इसमें क्या किया जाएगा, 18 से लेकर के 40 साल तक इसमें प्रीमियम भरना होगा और बाद में 60 साल के बाद 3,000 रुपये पर मंथ का इसमें दिया जाएगा हमारा, क्या कहते हैं उसको, हाँ, तो हमारा सही आंसर क्या होगा इसमें, प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना। इसमें 60 साल के बाद 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी, वो भी मासिक, जबकि 40 साल तक इसको प्रीमियम भरना होगा, याद रखिएगा। ये छोटे बड़े जो भी व्यापारी होंगे उनके लिए यह योजना है। नेक्स्ट है हमारा, बजट 2019-20 के अनुसार 2 से 5 करोड़ रुपये तक की वार्षिक आय पर कितने परसेंट का टैक्स लगाया गया है, तो 3% का। जबकि अगर हम लोग बात करें 5 करोड़ से ऊपर की जो संपत्ति रहेगी उस पर, तो उस पर 5% का टैक्स लगाया गया है। अगला हमारा, 5 लाख रुपये तक के वार्षिक आय पर कितना परसेंट टैक्स देना होगा, सही आंसर होगा हमारा 0% टैक्स देना होगा। अगर आप ईयरली 5 लाख रुपीस कमाते हैं तो आपको 0% टैक्स देना होगा। नेक्स्ट है हमारा कि आयकर रिटर्न भरने के लिए जरूरी है, सही आंसर होगा हमारा पैन कार्ड या आधार कार्ड, आप इन दोनों से। पहले क्या था कि अगर आपको रिटर्न भरना है तो आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है, लेकिन अब पैन कार्ड और आधार कार्ड को इंटरचेंज कर दिया गया। अब जो काम पैन कार्ड से हो सकते थे वो सभी काम आधार कार्ड से होंगे, और आधार कार्ड से जो काम होते थे उन सभी में पैन कार्ड भी वैलिड है। नेक्स्ट है हमारा, बजट 2019-20 में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई। आपको पता है कि इस समय अभी सीजन चल रहा था जिसमें आपने देखा कि NPA जो है बैंकों का वो बहुत ज़्यादा है, हालांकि उसमें से काफ़ी वसूल भी कर लिया गया, लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट ने पुनर्पूंजीकरण के लिए धनराशि आवंटित किया है, तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा हमारा 70,000 करोड़ रुपये। अगला हमारा, इलेक्ट्रिक वाहनों पर GST दर में कमी करके कितना परसेंट कर दिया गया है। ये भी क्वेश्चन हमारा रिलेवेंट है किसे, एनवायरनमेंट से, क्योंकि आपको पता है पोल्यूशन को तभी कम किया जा सकता है जब इलेक्ट्रिक वाहन ज़्यादा से ज़्यादा हो, लोग सौर ऊर्जा का प्रयोग करें, इसको लोग आसानी से उपलब्ध हो जाए, इस वजह से इस पर जो GST था उसको घटा करके 5% कर दिया गया है, 12% से घटा करके कितना कर दिया गया, 5%। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या कितनी परसेंट है। अब आप देखेंगे तो पहले आप देख लीजिए कि नॉर्वे में कितना है, क्योंकि नॉर्वे एक ऐसा देश है जिसने एक इलेक्ट्रिक स्टेशन भी स्थापित किया है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा चलते हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट, जब भी आप इंडेक्स पढ़ते होंगे वहाँ आप देखते होंगे कि नॉर्वे नंबर 1 पे रहता है। तो भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या कितने परसेंट है, तो यहाँ पे है 0.06%, और जबकि नॉर्वे में कितना है, 39%। तो एक मेजर डिफरेंस है, इस वजह से नॉर्वे हर चीज़ में नंबर 1 पे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अभी वर्तमान में अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत 2.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और अभी भारत ने लक्ष्य क्या रखा है कि हमें क्या करना है, 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है। अब इस बार का जो बजट आया उसमें बजट में बताया गया कि भारत की अर्थव्यवस्था 2019-20 में कितनी रहेगी, 7%। साथ ही साथ उसमें यह भी बताया कि जो भारत ने लक्ष्य रखा है 2025 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का, उसके लिए कम से कम भारत को 8% के रेट से ग्रो करना होगा। GDP ग्रोथ कितना होना चाहिए, 8%, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितना था हमारा, 6.8% था, इस बार एक्सपेक्टेड है 7%, और अगर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो कितना होना चाहिए, 8% GDP ग्रोथ होना चाहिए। अगला हमारा, वित्तीय वर्ष 2019-20 में GDP की वृद्धि कितनी रहेगी, तो मैंने अभी आपको बताया कि GDP की वृद्धि हमारी कितनी होगी, 7% होगी GDP ग्रोथ, और पिछले साल कितनी थी, तो 6.8%। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए कितनी चाहिए, 8%।
नेक्स्ट है हमारा कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजकोषीय घाटा कितना था। आपको पता है भारत की जो वित्त व्यवस्था है वो कैसी है, घाटे की वित्त व्यवस्था। पहले हम लोग पैसा कहाँ कहाँ कितना कितना खर्चा करना खर्चा कर देते हैं और बाद में वसूलने का सोचते हैं कि हमें कहाँ से कितना पैसा चाहिए। ठीक, तो 2018-19 में जो हमारा राजकोषीय घाटा था वो 3.4% था, जबकि 19-20 में एक्सपेक्टेड है कि 3.3% हो। अच्छा, राजकोषीय घाटा, तो हमारे जो राजकोष में धन आता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, वो सबसे ज़्यादा आता है कॉरपोरेट टैक्स से। और कॉरपोरेट टैक्स में इस बार रियायत भी दी गई है, 250 से लेकर के 400 करोड़ का जो वो टर्नओवर वाले बिजनेस होंगे उनको कितना टैक्स देना है, 25% टैक्स देना है। और इसके अंतर्गत भारत की 99% कंपनियाँ आती हैं, याद रखिएगा। अगला हमारा, स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा एक मंत्रालय नया टीवी चैनल खोलेगा। इसमें जो मंत्रालय वो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत इसको लाया गया है स्टार्टअप को, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया जो है स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है, हमारे देश में बिजनेस ज़्यादा होगा, टर्नओवर ज़्यादा होगा, इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। अब वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो सुरेश प्रभु हैं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मंत्री। अगला हमारा, पीएम सड़क योजना के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में कितने किलोमीटर की सड़क बनाने की योजना रखी गई है, तो 1.2 लाख किलोमीटर, और इसके लिए 80,500 करोड़ रुपए आवंटित भी किए गए हैं। अगर हम लोग पिछले कार्यकाल की बात करें तो पिछले कार्यकाल में 1,90,000 किलोमीटर की सड़क बनी थी। नेक्स्ट है हमारा, बजट 2019-20 में 25% कॉरपोरेट टैक्स के तहत वार्षिक 250 करोड़ व्यापार की सीमा को बढ़ा करके कितना कर दिया गया है। पहले क्या था कि कोई व्यक्ति अगर 250 करोड़ का व्यापार करता है तब वो 25% कॉरपोरेट टैक्स देगा, लेकिन अब इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 400 करोड़। मतलब 250 से लेकर के 400 करोड़ के बीच का जो है यहाँ पे लोग कितना कॉरपोरेट टैक्स देंगे, यहाँ पे देंगे 25%। नेक्स्ट हमारा कि भारत को विश्व स्तरीय उच्च शिक्षा का केंद्र बनाने के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है, तो इसमें 400 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है। साथ ही साथ स्टडी इन इंडिया एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया है जिससे कि विदेशी स्टूडेंट आकर के भारत में स्टडी कर सकें। अगला हमारा कि सरकार ने वर्ष 2024 तक सभी घरों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किस मिशन की शुरुआत किया है, तो इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया बहुत ही बुरी तरीके से जल संकट को फेस कर रहा है, वाटर क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, तो इस समय सभी को कम से कम पानी जो भी इंसान यूज़ कर रहा है उसको सावधानी पूर्वक यूज़ करे। ठीक, तो इसके लिए कौन सा मिशन चलाया गया है, जल जीवन मिशन चलाया गया है। ठीक है, 2024 तक सभी घरों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए। साथ ही साथ यह भी याद रखिए कि अभी तक हमने अपने जो ग्राउंड वाटर है उसका 61% यूज कर लिया है। ठीक, अगला हमारा कि 5 जुलाई 2019 को केंद्रीय बजट 2019-20 किसके द्वारा पेश किया गया, या बजट पेश किया गया, हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। अगर हम लोग बात करें तो यह महिला हैं। ठीक, यह हमारी दूसरी महिला वित्त मंत्री हैं, पहली कौन थी, इंदिरा गांधी थी, लेकिन वह पूर्णकालिक नहीं थी। अभी हाल ही में इसके पहले निर्मला सीतारमण को रक्षा मंत्री का पद दिया गया था, तो यह हमारी पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री थी और इस साल से यह बन गई हैं पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री। तो याद रखिएगा किसने पेश किया है, निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। इसमें कुछ पॉइंट्स और मैं आपको बता दूं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं बजट की, तो इस बार बजट को बही खाता के रूप में पेश किया गया है। इसमें क्या होता था कि पहले बजट को पेश किया जाता था एक लेदर बैग में, लेकिन इस बार इसको पेश किया गया है बही खाता, जो रेड कलर का कपड़ा होता है जिसमें लोग रखते थे अपना बजट, उसमें इसको पेश किया गया है। और इस बार जो बजट का भाषण था वो 2 घंटे 10 मिनट का भाषण था, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ आप जो बजट का वीडियो आपको पढ़ाया गया है वो आप वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद एमसीक्यू को सॉल्व करेगा, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।